स्टार्ट किया था, ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। आइए एक बार फिर से भी डिफाइन करें परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है और परफेक्टली ब्लैक बॉडी व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म, और ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी बेटे जो है किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, हम क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर स्टडीइंग द ब्लैक बॉडी बेटा। ब्लैक बॉडी इसका बेटा हम ये नहीं कह सकते हैं कि कलर ब्लैक है या कोई और इस तरीके से कलर के साथ रिलेटेड हम बात कह दें कि इसको ब्लैक बॉडी कह रहे हैं, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक बॉडी एक्चुअल में कोई भी पर्टिकुलर बॉडी जिस पे हमने किसी भी वेवलेंथ की इंसिडेंट रेडिएशन अगर फॉल करवाई है तो वो बॉडी उस इंसिडेंट रेडिएशंस को कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर ले, व्हाट एवर द वेवलेंथ मे बी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, दैट वी कॉल एज द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सो डियर चिल्ड्रन, परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है, वी कैन से दैट परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज वन विच अब्सॉर्ब्स ऑल द इंसिडेंट, ऑल द इंसिडेंट रेडिएशंस ऑन इट। ये बेटे जो आपका परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, इट अब्सॉर्ब्स ऑल दीज रेडिएशंस एंड नो रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। ना हम बेटे ये कह सकते हैं कि वो जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ है या ट्रांसमिट हुआ है, ऐसा हम नहीं बेटे बिल्कुल भी कहते हैं। एज पर बेटे अवर प्रीवियस डिस्कशंस हमने ये भी बात कही थी कि बिल्कुल परफेक्टली ब्लैक बॉडी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर भी हमारे पास बेटी लैंप ब्लैक एंड प्लेटिनम ब्लैक बेटे जो है, प्लेटिनम ब्लैक ये दो बेटे अच्छी एग्जांपल्स हैं हमारे इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कंसेप्ट की। सो लैंप ब्लैक एंड प्लेटिनम ब्लैक आर गुड एग्जाम्पल्स किसकी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बेटा, ब्लैक बॉडी की रादर। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को ब्लैक बॉडी डिजाइन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आप उसकी इनर सरफेस पे लैंप ब्लैक की कोटिंग कर देते हैं। लैंप ब्लैक इज जस्ट द ब्लैक कलर्ड रेजिड्यू दैट वी गेट व्हेन वी बर्न ए पर्टिकुलर ट्रेडिशनल लैम्प कॉन्टिन्यूसली, दैट ब्लैक मैटर इज डिपॉजिटेड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्लास सर्फिस, और उसको हम बेटे लैम्प ब्लैक कह देते हैं। और साथ ही साथ इसी तरीके से बेटे प्लेटिनम ब्लैक जो है, इट इज ऑल्सो एन अदर गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सो डियर चिल्ड्रन, वंस अगेन ब्लैक बॉडी इसका मीनिंग सिर्फ यहाँ पे हमने इस तरीके से सोचना है कि कोई भी बॉडी जिस बॉडी पे आप कोई भी वेवलेंथ की रेडिएशन, पर्टिकुलरली हीट रेडिएशन को अगर इंसिडेंट करोगे तो वो कंप्लीटली उस बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाएगी, वो बॉडी उसको कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेगी, दैट वी कॉल एज द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी की खास बात ये होती है कि ये रेडिएशन को कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेती है, 99.9% अब्सॉर्ब कर लेती है, और उस रेडिएशन का कोई भी पार्ट रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट प्रोबेबली नहीं होता है। सो डियर चिल्ड्रन, इसी के साथ साथ हम आगे बात करेंगे कि फेरीज ब्लैक बॉडी क्या होती है और इसकी वर्किंग वगैरह हम कैसे समझ सकते हैं।
आइए देखें बेटा, फेरीज ब्लैक बॉडी, फेरीज ब्लैक बॉडी बेटे जो है एक आइडियल टाइप ऑफ ब्लैक बॉडी डिजाइन की गई है, और इस फेरीज ब्लैक बॉडी की हेल्प के साथ हम बेटे हमारे जो बेसिक पैरामीटर्स हैं जैसे अब्सॉर्प्टिव पावर है या अब्सॉर्प्शन है, देन रिफ्लेक्टिंग पावर है या ट्रांसमिटिंग पावर है, इनको स्टडी किया करते हैं। एक्चुअल में अगर आप फेरीज ब्लैक बॉडी की डिजाइन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का बच्चों इसका डिजाइन होता है, दिस वे आपके पास ये एक बहुत ही लार्ज साइज का स्फेरिकल शेप में मेटैलिक चैम्बर ऐसे बना हुआ है। इस मेटैलिक चैम्बर को आपने बेटा इंटीरियर में इस तरीके से इसको सेट करिएगा, ये आपका मेटल का चैम्बर, और आपने इस मेटल के चैम्बर को कुछ इस तरीके से बच्चों ये मैनेज कर रखा है, और यहाँ पे एक नैरो ओपनिंग भी हमने मैनेज करके रखी हुई है इसकी। डियर चिल्ड्रन, जो ये इनर सरफेस है, इस इनर सरफेस पर लैम्प ब्लैक की कोटिंग कर दी गई है। आपका जो फेरीज ब्लैक बॉडी डिजाइन करते टाइम इसके अंदर वाले सरफेस पर एक बेटे लैम्प ब्लैक की जो थिन लेयर है इसको डिपॉजिट किया गया है। दिस इज लैम्प ब्लैक डिपॉजिटेड ऑन दिस बेटा इनर लेयर। अब बेटे इसके बिल्कुल ओपनिंग के ठीक सामने आपने एक कॉनिकल वेज इमेजिन किया हुआ है या बनाया हुआ है, आप ऐसे कह सकते हो। दिस इज द कॉनिकल वेज ओपनिंग के बिल्कुल सामने, इसको आप इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हो। दिस इज द मेटैलिक स्फीयर, होलो मेटैलिक स्फीयर रादर। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है बेटा इसको कंप्लीटली एम्प्टी रखा जाता है, और इसमें कोई भी एयर के बिना कॉन्टेंट नहीं है, और एयर भी इसलिए है ताकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। ये इसकी इंटीरियर में जितनी भी हीट डिपॉजिटेड होगी उस हीट को बेटा ये लूज नहीं होने देगी। और ये आपका है डियर चिल्ड्रन ओपनिंग, रादर नैरो ओपनिंग है ये, और यहां से आपने बेटा एक रेडिएशन जो है इंसिडेंट करी, हीट रेडिएशन इस बॉडी की तरफ इंसिडेंट की। दिस इज द इंसिडेंट रेडिएशन। अब बच्चों आप अच्छे से जानते हैं जब आप रेडिएशन को इंसिडेंट करेंगे कॉनिकल वेज इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, इट इज ए सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपका ये लाइट इस तरफ आएगा। एक बात याद रखिएगा, जब ये फर्स्ट इंपैक्ट होगा इसका यहाँ पर लैम्प ब्लैक के साथ, इसका 99.9% यहीं पे अब्सॉर्ब हो जाएगी जितनी भी इसके पास हीट एनर्जी है। लेट मी शो यू दैट व्हाट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिस रेडिएशन मस्ट बी पोजेसिंग। डियर चिल्ड्रन, आप बड़े अच्छे से जानते हैं एनर्जी ई जो है बेटा ये एच इंटू न्यू के बराबर होती है, हमने कहीं डिस्कस कर रखा है इसको, और फर्दर मोर इट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, और ये आपका बेटे जो है जितना भी वेवलेंथ हमने जो डेफिनेशन में लिखा भी था कि वेवलेंथ किसी भी वेवलेंथ का आपका रेडिएशन हो सकता है, तो आप यहाँ पे मैनेज कर लीजिए एच सी बाई ई। ई अगर आपके हीट रेडिएशन के पास एनर्जी कंटेंट है उसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये वाला है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ई आपके बेटे इंसिडेंट रेडिएशन के पास जो एनर्जी अवेलेबल है ये वो है। आपने इस रेडिएशन को इंसिडेंट करा, ये यहाँ पे स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक करने पे यहाँ पे जब इसका पहली बार रिफ्लेक्शन होगा तो 99.9% इसका डियर चिल्ड्रन अब्सॉर्प्शन हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर जाकर दूसरी बार स्ट्राइक करेगी, जो 0.1% बच गया था
उसका फिर 99.9% यहाँ पे अब्सॉर्ब हो गया, यहाँ लैम्प ब्लैक ने अब्सॉर्ब किया। और ये देखिए इस तरीके से इस हॉलो मेटेलिक चैम्बर के अंदर ये बार 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 इसकी मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है बेटा, और हर एक रिफ्लेक्शन पे इसका 99.9% हीट रेडिएशन कंटेंट इसमें अब्सॉर्ब हो ही जा रहा है। और बच्चों इसके अंदर एयर है, ये एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये अंदर वाली हीट को बाहर नहीं जाने देगा। ओपनिंग मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है कि इट इज वेरी 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 स्मॉल, ये अगर एक बार हीट रेडिएशन एंटर कर जाएगी इट विल नेवर लेट इट मूव बैक और गो आउट वंस अगेन। सो इन दिस वे बेटा इस तरीके का स्फेरिकल शेप में सेटअप जो है ये फेरीज ब्लैक बॉडी कहलाता है। तो डियर चिल्ड्रन बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, इश्नूर, जैकलिन, जपन, दलजीत, मिताली एंड हरनूर कौर, बेटा सारे बच्चों को प्रॉपरली समझ आ रहा है? ऑल ऑफ यू बेटे, वेरी गुड बेटे, ठीक है नाइस बेटे, ओके बेटा। बेटे किसी भी स्टेज पर कोई पॉइंट आपको लगे कि दैट नीड्स रीडिस्कशन, गुड बेटे गुड, एक बार बता दीजिएगा मैं रिपीट कर दूंगा। वैसे कंसेप्ट बड़े आसान है, मुश्किल नहीं है। और आइए बेटे अब हम इमेजिन कर लें कि जो आपने ये एनर्जी इंसिडेंट की थी, जनरली हम ये कहते हैं कि अगर क्यू जो है इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द ब्लैक बॉडी। हम यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं क्यू, लेट इट बी द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस इंसिडेंट। जितनी भी बेटे आपने हीट रेडिएशन इंसिडेंट की है उसके पास Q के बराबर टोटल हीट कंटेंट है। QA अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब, जितना हीट अब्सॉर्ब हुआ है। एक बेटे मैं डायग्राम बनाकर आपको थोड़ा सा अदरवाइज भी गाइड कर देता हूं। चलिए ये तो आपका फेरीज ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट जो है वो है ही है। अगर हम कोई मैटर, कोई मटेरियल किसी पर्टिकुलर थिकनेस का इमेजिन कर लें, बड़े ध्यान से बेटे समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है, ये इस मटेरियल ऑब्जेक्ट पे आपने बेटा ये एक इंसिडेंट रेडिएशन ये फॉल करवा दिया, जिसके पास क्यू के बराबर टोटल हीट कंटेंट अवेलेबल है, आपने इंसिडेंट करवाया। जब ये इस सरफेस के ऊपर आकर फॉल करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाए। सो दिस इज बेटा क्यू रिफ्लेक्टेड, इसको मैं बोल देता हूं इट इज क्यू रिफ्लेक्टेड, जो हीट रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई है जी। एंड देन बेटे इसके बाद हमारे पास हो सकता है कि कुछ हीट जो है ये यहाँ पे बेटे रिफ्रैक्ट हो जाए। दिस इज अमाउंट ऑफ हीट रिफ्रैक्टेड, जो रिफ्रैक्शन हुआ है, और ये अगर ट्रांसमिट कर दी इसने, इट इज क्यू ट्रांसमिटेड बेटा। तो इस तरीके से आप बेटे इसको समझ सकते हैं कि अगर टोटल हीट कंटेंट आपके पास है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि इसमें से थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी हो जाए, मेजर पार्ट अब्सॉर्ब हो जाएगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन भी हो जाए बेटा। सो इसी बेसिस पे आप कह सकते हैं ये आपके पास क्यू आर जो है अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड, जितनी आपने अपने इस बॉडी से रिफ्लेक्टेड हीट रेडिएशन कंटेंट की बात की है। और डियर चिल्ड्रन इसके बाद आपके पास क्यू टी आ जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिशन कितनी रेडिएशन की हो गई है उसको आप बेटे क्यू ट्रांसमिटेड कह सकते हो इन दिस मैनर। अब आप बड़े अच्छे से जानते हैं
टोटल एनर्जी कंटेंट तो बच्चों बदलेगा नहीं, जितना आपने एनर्जी दिया है टोटल एनर्जी आपके पास क्यू था, इसका एक हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया, एक हिस्सा इसका अब्सॉर्ब हो गया, एक हिस्सा इसका ट्रांसमिट हो गया, आपने ऐसा कहा। टोटल हीट को ही आप फर्दर बाइफरकेट कर सकते हो, कहीं और से हमें ये एनर्जी नहीं मिल रही है। अब आप क्या करिए बेटे, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई क्यू, इस इक्वेशन को आपके पास आएगा वन इज इक्वल टू क्यू रिफ्लेक्टेड अपॉन क्यू प्लस क्यू अब्सॉर्ब अपॉन क्यू प्लस क्यू ट्रांसमिटेड अपॉन क्यू, ये चीज आपके पास आ जाएगी। और बेटा जो आपका क्यू रिफ्लेक्टेड एंड टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यू है, इट इज कॉल्ड बेटे अब्सॉर्ब रिफ्लेक्टिंग पावर इस बॉडी का। लेट मी राइट इट सेपरेटली बेटा। सो वी विल से दैट क्यू आर क्यू रिफ्लेक्टेड अपॉन क्यू, इट इज रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ द बॉडी, रिफ्लेक्टिंग पावर। ऐसे ही आपके पास क्यू ए अपॉन क्यू जो है, इसको आपने बोल दिया ए अब्सॉर्प्टिव पावर, दिस इज कॉल्ड इट इज अब्सॉर्प्टिव पावर, एंड क्यू ट्रांसमिटेड अपॉन क्यू इट इज स्मॉल टी, इसको हम बेटे ट्रांसमिटेड पावर भी बोल सकते हैं, ट्रांसमिटेड पावर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका एक्सप्रेशन था, इसको आप इन टर्म्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। आपके पास आ जाएगा जी वन इज इक्वल टू, वन इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग पावर प्लस अब्सॉर्प्टिव पावर प्लस ट्रांसमिशन पावर, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर प्लस ए प्लस टी रेट दिस इज इक्वल टू वन। दैट इज आपकी बॉडी में से कुछ अगर रिफ्लेक्टेंस हो रहा है, किसी वजह से कुछ ट्रांसमिशन हो रहा है और मेजर पार्ट इसका अब्सॉर्ब हो रहा है, कैसा भी आपका बॉडी है, तो वी से दैट बेटा ये आपको ये सम ऑफ दीज ऑल पावर्स, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग पावर अब्सॉर्प्टिंग पावर एंड ट्रांसमिटिंग पावर, दिस इज इक्वल टू वन बेटे, और 100% एनर्जी आपकी इन तीनों कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। सो इस तरीके से बेटे आप अपनी जो फेरीज ब्लैक बॉडी है, या इन जनरल आपका बेटे जो है कंसेप्ट ऑफ द ब्लैक बॉडी, इसको समझ सकते हैं कि कैसे कैसे मोस्ट ऑफ द रेडिएशन अब्सॉर्ब हो जाती है और किस तरीके से हम ये सारे इसके साथ प्रोसीड करेंगे। सो डियर चिल्ड्रन, मे आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है, कोई पॉइंट आपका बेटे अगर हो तो बताइएगा। सारे स्टूडेंट्स, दिलजीत, गुरसिमरन, मिताली, नमन, रमन, राघव, इश्नूर, ओके बेटा, वेरी नाइस। चलिए बेटे आगे चलते हैं, हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स दो तीन पड़े हैं, उसके बाद फिर आपका ये थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। देन वी विल सी कि किस तरीके से हमने न्यूमेरिकल्स जो हैं वो स्टार्ट करने हैं। सो आइए डियर चिल्ड्रन, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा डियर चिल्ड्रन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है और उसका फायदा क्या है, और जो फिजिक्स में ये डिफरेंट डिफरेंट लॉज आप पढ़ते हो, इनको हम अप्लाई कहाँ करेंगे, इनका एप्लीकेशन क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, हम कहाँ पर इनको अप्लाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू बेटा हैव द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दीज पर्टिकुलर लॉज बेटे। सो डियर चिल्ड्रन, आइए डिस्कस करें वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बेटा। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ,
बीम्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बेटे बेसिकली आपकी ब्लैक बॉडी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी है कि किस किस वेवलेंथ की टेम्परेचर के साथ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा ये इलेबोरेट करता है. एंड डियर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी से दैट द वेवलेंथ लैम्डा एम कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ अमिशन. लेट मी राइट एंड मेक यू एक्सप्लेन. वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है बेटा, इट स्टेट्स दैट, जैसे हमने बात की है बेटे वेवलेंथ की, इट स्टेट्स दैट द वेवलेंथ लैम्डा एम, द वेवलेंथ लैम्डा एम कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन अमिशन या ट्रांसमिशन आप कह सकते हो बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ अमिशन, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ अमिशन ऑफ किसकी अमिशन, हीट रेडिएशंस decreases with the rise in the temperature of the black body. Radiations decreases with the rise in the temperature of the black body. देखिए बेटे terms को अगर मैं explain करूं, आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि लैम्डा एम ये वेवलेंथ है कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ अमिशन ऑफ द हीट रेडिएशंस. जो हीट रेडिएशंस अमिट हो रही हैं ब्लैक बॉडी से, अगर एक कोई बॉडी परफेक्ट अब्जॉर्बर है वो परफेक्ट अमिटर भी होता है, और वो जैसे जैसे आप बॉडी, आपकी जो ब्लैक बॉडी है इसका टेम्परेचर बेटे इंक्रीज करते चले जाते हैं, वैसे वैसे बेटा जो हमारा वेवलेंथ है टेम्परेचर पर इनवर्सली डिपेंडेंस जो है इंडिकेट करता चला जाता है. और आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में बच्चों ऐसे कह सकते हो, मैथमेटिकली ये लैम्डा एम आपका जो है इट इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर. आपने यही कहा है, लैम्डा एम कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम अमिशन ऑफ द हीट रेडिएशंस डिक्रीजेस विद द राइज, तो अपने आप इनवर्स डिपेंडेंस हो गया बेटा. तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये आपका लैम्डा मैक्सिमम बेटे जो है ये वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम ट्रांसमिशन है, ये आपका जो है कम होता चला जाएगा. इसको आप हटा दीजिए, लैम्डा एम इज इक्वल टू बी अपॉन टी, या लैम्डा एम इनटू टी दिस इज इक्वल टू बी. और डियर चिल्ड्रन बी जो है आपका ये आपका वीन्स कांस्टेंट कहलाता है. इसकी वैल्यू बेटे 2.89 इंटू 10^-3 मीटर केल्विन होती है. 2.89 10^-3 मीटर केल्विन, इस वैल्यू को आपने भूलना नहीं है. न्यूमेरिकल्स वगैरह में ये आपके बेटे काफी काम आएगी वैल्यू. अब बेटे जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये जो सारे का सारा कंसेप्ट है, ये ब्लैक बॉडी में किस तरीके से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है उसको इंडिकेट करता है. आइए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बेटा इसको प्लॉट करके बता दूं इसी चीज को, कि ये टेम्परेचर के साथ किस तरीके का जो है ग्राफिकल बिहेवियर शो करता है. लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा वंस अगेन. आपने ग्राफिकली अलोंग द वर्टिकल एक्सिस बेटे ई आपने इमेजिन किया, ई लैम्डा कह सकते हो आप, ई कह सकते हो एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ लैम्डा,
और इस तरफ डियर चिल्ड्रन आपके जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं, इन एक्सिस पे आपने वेवलेंथ लेमडा जो है इमेजिन किया। अगर आप अपनी ब्लैक बॉडी को अलग अलग टेम्परेचर्स पर रखते हो, मान लीजिए आपने अपनी ब्लैक बॉडी जो है इसको 900 केल्विन के टेम्परेचर की रेंज पे रखा हुआ है, तो ग्राफ आपका जो है ये बेटे कुछ इस तरीके का ये बन जाता है। ये ग्राफ इंडिकेट क्या करता है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ ये वाली है। अदरवाइज वेरिएशन आपके पास है कि 900 केल्विन पे जब आप अपनी बॉडी को प्लेस किए हुए हैं तो वेवलेंथ का जैसे जैसे आप वेरिएशन करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको एनर्जी इस वेवलेंथ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एमिशन जो है ये नोटिस कर लेते हो। और आप इसको बेटे 900 केल्विन से भी पहले आप ये 700 केल्विन की टेम्परेचर की रेंज जो है अज्यूम कर लीजिए। फिर आपने क्या किया, अपना टेम्परेचर राइज कर दिया बॉडी का, बॉडी ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर राइज करने पे आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का, ये अप्रोक्सीमेटली 900 केल्विन पे है। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि मैक्सिमम एमिशन के लिए ये देखिए आपका एनर्जी जब मैक्सिमम है, वेवलेंथ जब टेम्परेचर कम था उसके कंपैरेटिवली इधर शिफ्ट हो गया। दिस इज मैक्सिमम एमिशन एट हायर टेम्परेचर, ये पीक वैल्यू इस तरफ शिफ्ट हो रही है जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। और अगर आप फर्दर वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, मान लीजिए आप टेम्परेचर 1100 केल्विन कर देते हो, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाता है 1100 केल्विन पे। तो ये देखिए मैक्सिमा आपका मिनिमम वेवलेंथ की तरफ और शिफ्ट हो रहा है। और डियर चिल्ड्रन, अगर आप टेम्परेचर स्टिल और इंक्रीज कर दें, आप मान लीजिए 1700 केल्विन का टेम्परेचर कर देते हो, आपका ग्राफ जो है ये 1700 केल्विन पे ये पीक वैल्यू और भी ज्यादा इस तरफ शिफ्ट हो जाती है। सो दिस इज व्हाट यूर दिस रिलेशनशिप बिटवीन ये डिपिक्ट करता है। इनको पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, ये जो पीक को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये आप खुद इमेजिन करिएगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एमिशन के कॉरस्पॉन्डिंगली जो वेवलेंथ है लेमडा जो है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कम हो रही है। सो यही आपका बेटा वील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है ये आपको कह देता है कि जब आप अपनी ब्लैक बॉडी में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेटेड ये सारे का सारा काम करके देखते हैं, तो ये वेवलेंथ बेटा मिनिमम वैल्यू की तरफ शिफ्ट होती जाती है विद द राइज इन द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। तो डियर चिल्ड्रन, मे आई एक्सपेक्ट कि सबको क्लियर है, कोई पॉइंट किसी भी स्टूडेंट को ना पता चला हो? करनूर कौर, इश्नूर, जैकलीन, जपन, नमन, राघव, रमन, सहज, वंश, अदिति, दिलजीत, देवनूर, गुरसिमरन, हरमन, मिताली, डियर स्टूडेंट्स, सारे बच्चों को प्रॉपरली पता चल गया है? मिताली बेटा, गुड, वेरी नाइस। सो बेटे देखो, इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन आपने किया ब्लैक बॉडी का, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि देखिए हम इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं, इसका फायदा क्या है। इतनी ये देखो, इतने डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स पढ़ रहे हैं, इतनी वेरिएशन पढ़ रहे हैं, इसका हमें हमारा डे टू डे लाइफ में क्या फायदा है। डियर चिल्ड्रन, आप बुक्स में पढ़ते हैं कि सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन जो है ये करीब 5800 केल्विन के बराबर है, करीब एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं मैं। ऐसे ही आपको कई बुक्स पर मून की सरफेस का टेम्परेचर भी पता चल जाता है कि इतना है या इतना है, या डे टाइम पे इतना है, नाइट टाइम पे इतना है, या इवन बेटे आप स्टार्स की सरफेस का टेम्परेचर भी बुक्स पे पढ़ते हो। हमें वो टेम्परेचर कौन बताता है? हमें उस टेम्परेचर का वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के एनालिसिस के साथ ही पता चलता है। आपकी सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर जितनी भी हीट रेडिएशंस पहुंच रही हैं सन से, आप उन हीट रेडिएशंस का एनालिसिस करते हैं,
उस एनालिसिस से आप ये चीज जो है इसकी हेल्प लेकर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन उसका अंदाजा लगा सकते हैं, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द मून का अंदाजा लगा सकते हैं, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्टार्स का अंदाजा लगा सकते हैं, या मैं यूं कह दूं कि आप जो हेवनली बॉडीज हैं उनके सरफेस टेम्परेचर को एस्टीमेट कर सकते हैं यूजिंग द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। याद रखिएगा इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस डियर चिल्ड्रन क्या है, सो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन determination of the surface temperature of heavenly bodies, heavenly bodies like sun, moon or stars बेटे। तो इस तरीके से बेटे आप इस वील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की सो मैनी एप्लीकेशंस जो है बेटा ये आप नोटिस कर लेते हो। इन एप्लीकेशंस की हेल्प के साथ आप बेटे इस तरीके से जजमेंट कर सकते हो, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द मून निकाल लो, सन निकाल लो। अभी देखिए लास्ट टू लास्ट ईयर तो ये हम सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन निकाला भी करते थे 5800 केल्विन, बट अब there is some sort of change in the syllabus, उसकी वजह से फिर अब बेटे हम वो ज्यादा उस तरफ नहीं जाते हैं। Otherwise, we use to calculate the surface temperature of the sun with the help of Wien's displacement law and all that, तो वो आता भी होता था पेपर में। So ये बेटे इस तरीके से इसकी importance है, एक बार देख लीजिए, कोई बात नहीं पता चली तो मुझे बता दीजिए। सारे students बेटा कोई point बच्चों नहीं पता चला रिगार्डिंग ब्लैक बॉडी एंड वील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड ऑल दैट, जरूर बताइएगा बेटा, ऑल ऑफ यू बेटे, दैट्स नाइस बेटा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पीरियड। तो नेक्स्ट पीरियड में फिर बेटे आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जो थ्योरी पार्ट है वो आज एटलीस्ट खत्म हो जाए, फिर हम न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है इस चैप्टर के उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे बेटे। So before I end up the meeting, any child having any point बेटा, क्या सबको क्लियर है सारा बेटे? सहज रमन राघव नमन वंश अदिति दिलजीत, ओके बेटा, ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम my side, थैंक यू ऑल, वी विल बी हैविंग द नेक्स्ट पीरियड, उसमें फिर बाकी का काम कर लेते हैं। थैंक यू बेटा।